द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी मदहोशी में है या अहंकार में है, ये तो अलग अलग लोग अपनी अलग अलग राय रखते हैं इस पे। लेकिन अजीब सी बात है, जितने नए मुख्यमंत्री बनाए हैं और पुरानों को राजनीतिक करियर के तौर पे उनको निपटा के जो नए मुख्यमंत्री बनाए हैं, शायद ना इनको बीजेपी के नेता पसंद कर रहे हैं और जनता तो बीजेपी के मुख्यमंत्री और तमाम जो दिग्गज नेता उन्हें पसंद वैसे भी नहीं कर रही है, क्योंकि जनता परेशान है। राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी का क्या हाल है और बीजेपी का क्या हाल होने वाला है लोकसभा चुनाव में, वो इस बात से समझ में आता है कि भजन लाल शर्मा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री मंच भाषण देने आए, भाषण उन्होंने शुरू किया और लोग जाने लगे, मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार के मंच से कहते नजर आए, कहते सुनाई दिए कि भगवान की कसम है कहीं मत जाओ, रुक जाओ, भगवान का वास्ता देते रहे, भगवान की कसमें देते रहे लोगों को। ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी राज्य का, किसी पार्टी की सरकार का मुखिया इतना लाचार हो जाए कि वो भगवान की कसम देके लोगों को रोकने मजबूर हो जाए। तो आप सोचिए, जनता जब सुनना नहीं चाह रही है तो वोट क्या देने वाली है? ईवीएम पे भरोसा हो सकता है, लेकिन जनता अगर आपके सामने है तो जनता का क्या हाल है, जनता ने क्या हाल कर रखा है बीजेपी के नेताओं का, वो देखने लायक है। एबीपी न्यूज़ ने इसको पूरा आर्टिकल लिखा है, चुनावी रैली में ऐसा क्या हुआ, भागने लगे लोग, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को देनी पड़ी भगवान की कसम, वायरल हो गया वीडियो और फोटो में लिखा हुआ है महादेव की कसम बैठ जाओ। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो में आपको साफ समझ में आएगा कि यहाँ तक कह रहे हैं कि हिंदू हो तो बैठ जाओ। ये बीजेपी की लीडरशिप का हाल हो चुका है और लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो क्या हाल होने वाला है बीजेपी का, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये वीडियो देखिए और अंदाज़ा लगाइए। काम किया या काम देख सकते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। भोले बाबा की कसम है, अगर 5 मिनट नहीं बैठे रहे कोई भी जाए, लौट के आओ। महादेव बाबा की सौगंध है, लौट के आओ सब, बैठो 5 मिनट। भोले बाबा की सौगंध है, अगर जरा भी तुम हिंदू हो तो लौट के आओ, भोले बाबा की सौगंध है। रोको मत, रोने बैठो, यहाँ बैठो। तो आप सोचिए, महादेव की सौगंध दे रहे हैं मुख्यमंत्री बीजेपी के, राजस्थान में ये कह रहे हैं कि हिंदू हो तो बैठ जाओ। तो आप सोचिए कि कितने लाचार हो चुके हैं बीजेपी के नेता और बीजेपी की सरकार के मुखिया कि जनता किसी हाल में सुनना नहीं चाह रही है और उपलब्धियों के नाम पे कुछ है नहीं। आपने अगर उपलब्धि होती तो सुना होता है कि हमने इतने रोज़गार दिए हैं तो बैठ जाओ, ये कहे कोई बीजेपी का नेता। हमने अगर नोटबंदी सही की है तो बैठ जाओ, ये कहे कोई बीजेपी का नेता। कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कोई घोटाला नहीं किया हो तो बैठ जाओ, पूरा सभा स्थल खाली हो जाएगा बीजेपी के नेताओं से। ये हाल है बीजेपी के नेताओं का। मैं आपको इस संबंध में जो चीज़ें हुई हैं वहाँ, वो थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा। और ये एबीपी ने लिखा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को उस समय अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब उनकी चुनावी सभा से लोग उठकर जाने लगे, लोगों को रोकने के लिए मंच से लोग उठकर जाने लगे, लोगों को रोकने के लिए मंच संभाल रहे नेता ने उन्हें हिंदू होने और महादेव का भक्त होने का वास्ता तक दे दिया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस समिति चीफ ने इसका वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि ये वीडियो बीजेपी के 10 साल के में किए भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। इससे साबित होता है कि जनता बीजेपी से दुखी है और इन चुनावों में उसे सत्ता से हटाने को तैयार है। अब जो सदस्य लिखा गया है कि ये मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर यह भी समझ में आता है कि ये बीजेपी के कोई नेता है, दिग्गज नेता जो मंच का संचालन कर रहे थे, मुख्यमंत्री को आमंत्रित कर रहे थे भाषण देने के लिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ कि मुख्यमंत्री का नाम सुनते ही लोग जाने लगे, तो वो फिर धर्म का वास्ता देने लगे, महादेव की सौगंध देने लगे, हिंदू होने की बात पर बैठने की बात करने लगे। गोविंद सिंह दोसारा जी ने लिखा है कि भाजपा से जनता का भरोसा उठ गया, सिर्फ 4 महीने में राजस्थान ने पर्ची सरकार का ये हाल है। सभा में 5 आदमी लाने और बैठाने के लिए महादेव की सौगंध और हिंदू होने की कसमें दिलाई जा रही हैं। इनके मंत्री मोदी में आग लगा रहे हैं। लगता है कि पर्ची सरकार की पर्ची फिर बदलने वाली है। तो ये हाल हुआ है, ये हश्र हुआ है जो आपके सामने है। भरोसा उठा हुआ है जनता का। एक मैंने पोल भी देखा था, एक सर्वे भी देखा था कि कैसे बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल नहीं है वहाँ पर। ये भी कहीं पढ़ा था कि 25 में से 10 सीट्स जो हैं वो इंडिया अलायंस को मिलने वाली हैं। अगर आप आंकड़े देखें, इक्वेशंस देखें, जातिगत आंकड़े देखें, तो भी बीजेपी के सामने इंडिया अलायंस का बड़ा मजबूत गठबंधन है। उसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी
जो कुछ वोट्स काट सकती थी वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है, तो इससे जाट वोटर जो है वो कहीं जा नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया अलायंस को मजबूत कर रही हैं, और बीजेपी जिस वोट कटने का फ़ायदा उठाती थी अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन के सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्रियों का यह आश्र हो चुका है, और अगर हम देखें इसी राजस्थान की बात करते हैं, लेकिन पहले मुख्यमंत्री आप मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी को याद कीजिए। 3-4 दिन पहले मैनपुरी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, एक तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के वहाँ पहुँचे, उन्हें हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया था, वो गाड़ी से बाय रोड ही गए थे। बाय रोड गए, जब भाषण हुआ सभा से, जो कुर्सियाँ थी वो खाली ही खाली तस्वीरें आई, समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने उसको साझा भी किया था, आप भी देख लीजिए एक बार फिर से। सभी लोगों से अनुरोध है कि यहाँ से सब लोग सीधे कार्यालय में चलेंगे। आज हमारे मंदिर में कार्यालय खुला है और वहीं पर श्री मोहन यादव जी 2 मिनट पहुंच रहे हैं और वहीं कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे और वहीं पर तो यही हशर है। और राजस्थान अगर दोबारा चलें तो राजस्थान में सतीश पूनिया जी की रैली में क्या हाल हुआ कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि 1 करोड़ लोग होंगे यहाँ पे, 20 लाख लोग होंगे, 50 लाख लोग होंगे। सतीश पूनिया जी जैसे नेता वो बेचारे गिनती के 8-10 लोगों के साथ जा रहे हैं और ऊपर JCB से उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, तमाशा बन रहा है, वो जैसे लोग खड़े होकर फूल अपने बरसवा भी रहे हैं। ये वीडियो देखिए, ये बीजेपी के नेताओं का हाल है राजस्थान में, देखिए। तो ये पूरे राजस्थान का हाल क्या पूरे देश का हाल है। बीजेपी के कई नेताओं को उनके क्षेत्र के कई गांवों से भगा दिया गया है, कहीं कहीं पोस्टर्स लगे हुए हैं कि बीजेपी के नेताओं का आना वर्जित है, गांव में प्रवेश वर्जित है। देश में जब आंकड़ा आता है सामने कि 83% युवा आबादी जो है वो बेरोजगार है, ऐसे में आप खुद सोचिए, News24 ने लिखा भी ILO की रिपोर्ट के हवाले से, ऐसे में अगर आप हिंदू मुस्लिम भी करोगे तो भी ये एक पढ़ा लिखा शिक्षित बहुसंख्यक समाज से आने वाला युवा जो हिंदू समुदाय का हो वो भी जानता है कि 83% अगर युवा बेरोजगार है तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी संख्या हिंदू समाज के जो हमारे युवा हैं उनकी होगी जनसंख्या के हिसाब से। तो अब ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली, और बीजेपी का क्या हाल होने वाला है वो आपके सामने। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। सच सबसे आगे।